शुद्ध के लिए युद्ध चिकित्सा विभाग की ओर से इस बार अभियान चलाया गया है ताकि नकली खाद्य पदार्थों को और जो मिलावट करके बाजार में खाद्य पदार्थ बेच रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि इस दौरान चिकित्सा विभाग ने बड़ी मात्रा में नकली पनीर से लेकर अचार तक, घी से लेकर काली मिर्च तक सीज किए हैं, लेकिन कोई कड़ा कानून नहीं होने के चलते ये मिलावटखोर आसानी से छूट जाया करते हैं। एक आंकड़ों की बात करें तो इन दिनों विभाग ने करीब 1800 किलो से अधिक घटिया और नकली पनीर जब्त किया है, वहीं 32,000 किलो अवधि पार आचार और सॉस नष्ट करवाया है। वहीं अगर बात की जाए तो करीब 4,000 किलो काली मिर्च और 1,000 किलो रंग किया हुआ जो राजमा है वो बाजार में बेचा जा रहा था, उसे चिकित्सा विभाग ने सीज किया है। हालांकि विभाग की ओर से कार्रवाई पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार चल रही है, लेकिन कोई मजबूत कानून नहीं होने के चलते यह मिलावटखोर आसानी से छूट जाया करते हैं। यहां तक कि एक मिलावटखोर ने तो चिकित्सा विभाग की टीम को धमकी तक दे दी थी। हालांकि मामला कोर्ट में जाता है, लेकिन महज कुछ जुर्माने के बाद ही ये मिलावटखोर आसानी से छूट जाया करते हैं। इस मामले में जब प्रदेश के चिकित्सा मंत्री से पूछा गया तो उनका कहना था कि हालांकि जो मिलावट को लेकर जो कानून है वो इतना सख्त नहीं है, लेकिन अब हम लोग इसे लेकर एक कानून लेकर आएंगे ताकि कोई भी मिलावटखोर आसानी से मिलावट करने के बाद छूट ना जाए। कानून बना हुआ है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं होती है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कानून बना हुआ है उसकी अनुपालना सुनिश्चित हो, और इसमें सख्ती करनी पड़े तो करेंगे हम लोग।